बुलंदशहर हिंसा का शिकार हुए इंस्पेक्टर सुबोध को उत्तर प्रदेश सरकार शहीद का दर्जा देगी। उत्तर प्रदेश की डीजीपी ने बताया कि सरकार ने परिवार के शहीद का दर्जा देने की मांग मान ली है। साथ ही डीजीपी ने यह कहा कि सुबोध के परिवार का 30 लाख का होम लोन उत्तर प्रदेश सरकार चुकाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार ही करेगी। सुबोध के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने की बात भी कही गई है। डीजीपी ओपी सिंह ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इससे पहले इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए इंस्पेक्टर की पत्नी और दोनों बेटे पहुंचे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार की ओर से 40 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा और 10 लाख रुपए उनके माता पिता को मिलेगा। आज ये भी निर्णय हुआ कि चूंकि दिवंगत आत्मा के माता पिता नहीं है, इसलिए वो 10 लाख रुपए अभी परिवार को जाएगा। इस तरह 50 लाख की राशि परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि कुछ बैंक से लोन लिया गया था, उस लोन की राशि भी मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से देंगे, सरकार की ओर से देंगे, ताकि बच्चों की शिक्षा अब बिना किसी निर्भरता के चलती रहे। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, पूरा धन्यवाद मिला और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, सही है मिलेगा और जो भी आरोपी है इस प्रकरण के पीछे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो बुलंदशहर हिंसा जिसका शिकार हुए इंस्पेक्टर सुबोध को उत्तर प्रदेश सरकार शहीद का दर्जा देगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि सरकार ने परिवार की जो मांग थी शहीद का दर्जा देने की, उसे मांग लिया है। और ऐसे ही तमाम और मांगे, जो परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात थी, बेटों की पढ़ाई का खर्च भी उत्तर प्रदेश सरकार ही चुकाएगी, खर्च उठाएगी और साथ ही साथ जो लोन लिया गया था बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उससे भी उत्तर प्रदेश सरकार ही चुकाएगी। तो डीजीपी ओपी सिंह ने इन तमाम चीजों को अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने हर संभव मदद देने की बात कही, 50 लाख की आर्थिक मदद देने की बात भी डीजीपी ने कही। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ये भी कहा गया। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार ने लखनऊ में ही सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। सुबह करीब 9:30 बजे ये मुलाकात हुई थी और लगभग जो भी मांगे जो परिवार की ओर से की गई थी, उन सभी मांगों को मान लिया गया है।